श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, तर्पण शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन गुरु जी ने 3 विशेष उपाय बताए और एक विशेष जानकारी भी दी जो बिल्कुल सरल है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मेरा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में श्री शिवाय मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। सो दोस्तों, पहला उपाय गुरु जी ने विशेष बताया है, जैसे कि आप नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार डाउन चल रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, कहीं नौकरी नहीं मिलती है और बहुत परेशान हो आप, तो क्या करो, एक ऐसा मंदिर ढूंढो जहां पर कोई जाता नहीं हो। पर ऐसा मंदिर ढूंढना तो उचित नहीं है, तो आप क्या करो, जिस मंदिर में आप रोज पूजा करने जाते हो, थोड़ा बहुत निर्माल जो आसपास पड़ा रहता है उसे इकट्ठा करो, उठा के साइड में कर दो, झाड़ू या पोछा कुछ क्षण के लिए लगा दो, ऐसा कि आप महादेव की नौकरी करो। महादेव की अगर आप नौकरी करना शुरुआत करते हैं तो आपके नसीब बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाते हैं, तरक्की की नई राह मिल ही जाती है। दूसरा विशेष उपाय गुरुजी ने कहा है, जैसे कि श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला रहे हैं पर किसी कारणवश ब्राह्मण भोज करने नहीं आ पा रहा है, या आप ही ब्राह्मण को भोज करने के लिए नहीं बुला पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने भांजा या भांजी को जरूर खाने पे बुलाएं। श्राद्ध पक्ष के समय अगर भांजा या भांजी आपके यहाँ भोजन करते हैं तो एक भांजा या भांजी भोजन करेगा तो आपको 1000 ब्राह्मण के तुल्य पुण्य मिलेगा, यानी कि एक भांजा भोजन करता है यानी कि 1000 ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, तो आप जरूर कीजिएगा यह उपाय। तीसरा विशेष उपाय गुरु जी ने कहा है कि आप जैसे कि महादेव के मंदिर जाते हैं, तो अगर आपको कुछ चीज के बारे में नहीं मालूम है कि महादेव को चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में 3 बार ताली बजा दे पर कोई अलती भलती चीज समर्पित ना करे। महादेव को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ता है, तो इसलिए गुरु जी ने विशेष कहा है कोई सामग्री ना मिले तो 3 बार ताली बजा दे, वही सभी सामग्रियों के तुल्य होता है। अब और एक विशेष जानकारी गुरु जी ने कहा है कि कभी भी अपने पैर के नाखून, जी हाँ, पैर के अंगूठे का नाखून किसी के सामने मत काटे, और नाखून अगर काटते तो इधर उधर ना फेंके, क्योंकि अगर पैर के अंगूठे का नाखून कोई उंगालता है तो जितने लोग उंगालते हैं उसके सारे कष्ट दुख आपको लग जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप पैर के अंगूठे का नाखून काटे तो उसे किसी गटर में या नाले में डाल दे ताकि कोई उसे उंगाल नहीं पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।